धूप में निकलो, धूप में निकलो, गठाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो, गठाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। आप सोच रहे होंगे सर तो कमाल के सर है, ये कहते हैं किताबों को हटा के देखो। हाँ भाई, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं, एंटरटेनमेंट हो रहा ना। देखिए आगे आने वाला लेक्चर कमाल और बिंदास होने वाला है। आई वेलकम यू ऑल टू जॉब संडा, एक उभरता हुआ नाम, एक उभरता हुआ सितारा तालीम और तरबियत के मैदान में। जॉब संडा के प्लेटफॉर्म से हम आपको दिल से खुश आमदीद कहते हैं, आई वेलकम यू ऑल। तो सुनिए पहले शेर व शायरी, उसके बाद पढ़ाई बिंदास। शायर लिखता है, धूप में निकलो, हाँ जी भाई, वाह वाह, धूप में निकलो, गठाऊ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, सिर्फ आंखों से ही नहीं, सिर्फ आंखों से ही नहीं, दुनिया नहीं देखी जाती, अरे सिर्फ आंखों से ही नहीं दुनिया देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बना कर देखो, दिल की धड़कन को भी बीनाई बना कर देखो, सिर्फ आंखों से ही नहीं दुनिया देखी जाती। यू कैन नॉट विजुअलाइज होल वर्ल्ड बाय ओनली योर आईज, कभी कभी दूसरों की दिल की धड़कनों को भी समझना पड़ता है। सिर्फ आंखों से ही नहीं दुनिया देखी जाती, दिल की धड़कनों को भी कभी बीनाई बना के देखो। पत्थरों में भी जुबां होती है दिल होते, पत्थरों में भी जुबां होती है दिल होते हैं, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। वाह कमाल का शेर है भाई। जब आप घर को ग्रूम करते हैं ना, तो शायर कहता है, पत्थरों में भी दिल होता, पत्थरों में भी जुबां होती है दिल होते हैं, घर के दरो दीवार सजा कर देखो, धूप में निकलो, गठाऊ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में, वो सितारा है, वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में, क्या जरूरी है उसे जिस्म बनाकर देखो, क्या जरूरी है उसे जिस्म बनाकर देखो, वो सितारा है चमकता रहे यूं ही आंखों में, क्या जरूरी है उसे जिस्म बनाकर देखो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला डिफरेंस, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले न मिले हाथ बढ़ाकर तो देखो, वो मिले न मिले हाथ बढ़ाकर तो देखो। प्यारे बच्चों, आपने एंटरटेन किया, और इसी वाले माहौल में जो आप इस वक्त एनर्जी फील कर रहे हैं, शेर और शायरी सुनाने का मकसद यह है कि मॉरल एजुकेशन आप तक बहुत पहुंच जाए, और इस एनर्जी, इस मजे के साथ आज के लेक्चर को हम अब शुरू करते हैं। अगर आप बच्चों ने अब तक जॉब संडा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तुरंत जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन है दबा दो, ताकि आप कोई हमारी वीडियो मिस ना करे। ये हमारा पुराना लेक्चर था, इस पुराने लेक्चर में आपने पढ़ा है 30+ एमसीक्यू थे इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इंटरपर्सनल स्किल्स का। आज इंटरपर्सनल स्किल का लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, व्हाट आर कम्युनिकेशन बैरियर्स। इंटरपर्सनल स्किल में ये लास्ट हमारा पार्ट रहता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। क्या मालूम कि कोई क्वेश्चन आ जाए कम्युनिकेशन बैरियर्स पे, और आप बोल देंगे सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है, तो हम आपकी ये बात ना नहीं हो पाए कि आप ऐसा फिर बाद में बोले सर ने पढ़ाया नहीं। हम तो कोई बात छूटे ही नहीं, हम तो छोड़ेंगे नहीं, कोई छूट ना पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मजा आ रहा ना, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, हाँ जी, तो हम लिखेंगे यहां पर
व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो पढ़ लिया है। अच्छा सर अब तक आप बताइए आपने क्या क्या पढ़ा है। चलिए बता देता हूं हमने अब तक क्या क्या पढ़ाया है। अब तक हमने पढ़ाया है नंबर वन व्हाट इज कम्युनिकेशन। अब तक हमने पढ़ाया व्हाट इज कम्युनिकेशन। सेकेंड कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्ड इंटरपर्सनल। अब तक हमने क्या पढ़ाया है मैं वो लिख रहा हूं। इंटरपर्सनल स्किल्स। चौथा हमने पढ़ा इंट्रापर्सनल स्किल्स। उसके बाद हमने पढ़ा पहला क्या पढ़ा हमने कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड इंटरपर्सनल स्किल इंट्रापर्सनल स्किल। फिर हमने जो हमारे सिलेबस में है ये इंट्रापर्सनल स्किल इसको हमने डिटेल से पढ़ा। डिटेल्ड इलाबोरेशन ऑफ इसकी इलाबोरेशन करी हमने और विद टाइप्स विद 15 टाइप्स हमने इसके पढ़े। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा हमने इंटर और इंट्रो इनका डिफरेंस भी पढ़ा। ठीक है मेरे बच्चों ये हमने पढ़ा। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसको डिटेल से पढ़ा हमने। पूरा लेक्चर आपके पास अवेलेबल है प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। देन उसके बाद हमने फिर 30 एमसीक्यूज किए। कोई और भी टॉपिक हमने पढ़ाया हो तो बताइए। और नाइन्थ आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। डिटेल से पढ़ेंगे इनको और फिर 10 नंबर पे हम क्या करेंगे इसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे और ये एमसीक्यूज होंगे श्योर शॉर्ट एमसीक्यूज। दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता हेडिंग दीजिए प्यारे बच्चों कम्युनिकेशन बैरियर्स। आज का खूबसूरत टॉपिक है कम्युनिकेशन बैरियर्स। दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर्स। पुराने लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ाया है वो ये है और आज क्या पढ़ाने वाले हैं वो मैं लिख रहा हूं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बैरियर्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स देयर आर मेनी रीजंस व्हाई इंटरपर्सनल स्किल्स मे फेल। देखिए प्यारे बच्चों एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं क्या मामला है ये कम्युनिकेशन बैरियर्स के कहते हैं। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। दो आदमी है एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। ए पर्सन बी से कम्युनिकेट कर रहा है क्या कर रहा है कम्युनिकेशन चल रही है। अब देखिए एक बंदा ए बी से बात करना चाहता और बात शुरू करी इसने ए ने शुरू करी। ए जो है ये सेंडर है और बी इसका रिसीवर है। इट इज सेंडर बी इज रिसीवर। समय बात आ रही है यहां तक। ए ने बात शुरू करी बी से बात कर रहा है। अब इस बात करते हुए जिस एनवायरमेंट में ये बात कर रहे हैं मान लीजिए क्लासरूम में बात कर रहे हैं ये माहौल है ना। मान लो ये ऑडिटोरियम में बात कर रहे हैं मान लीजिए ये स्टूडियो में बात कर रहे हैं
मान लीजिए ये मार्केट में बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये व्हीकल में बात कर रहे हैं, ये अलग अलग जगह है जहां पर एक इंसान दूसरे से बात करता है, और भी बहुत सारी जगहें हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इनको चूज करा। अब मुझे आप बताइए भाई, एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, अगर वो बाजार में बात करेगा क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी या उसे ज्यादा समझ में नहीं आएगा? एक आम तौर पर एक कॉमन सेंस ये कह रहा है कि अगर आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है और बड़ी बाजार में कर रहा है तो वहां पर बहुत शोर है, गाड़ियों का है, लोगों का आमदोरफ्त का शोर है। जब शोर है तो जो बात करना चाहता है वो सेंटर से रिसीवर तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, उसमें रुकावटें आ रही है, तो वो जो रुकावटें आ गई कि कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव नहीं है, सो वो बैरियर्स जो एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने नहीं देते हैं, ऐसे बैरियर्स को, ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस को, ऐसी रुकावटों को हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। बात समझ में आ रही है? बैरियर का मतलब होता है, बाय द वर्ड बैरियर वी मीन, बैरियर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट। भाई कम्युनिकेशन के बीच में क्या रुकावट बनी, दैट इज योर कम्युनिकेशन बैरियर। अब ए ने बी से बात कर, ए ने बी से कहा व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। अब जब इसने इससे बी से कहा आपका नाम क्या है, मुझे बताइए बी का रिएक्शन आएगा ना, बी जवाब देगा। अरे भाई ए ने सवाल किया, बी जवाब देगा। अब बी ने जो सुना जवाब उसी अंदाज से होगा, बोलिए बात सही है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मजा आ रहा नहीं आ रहा ये आप बताएंगे ना, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे सर हमें आपका लेक्चर कमाल लग रहा है, या बताएंगे आपको अच्छा लग रहा है तो लिख देंगे। इसका मतलब ये होता है कि एक सेंडर और एक रिसीवर आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत को इफेक्टिव होने के लिए जरूरी यह है कि जो बात की जाती है वो रिसीवर पूरा समझे। वो कैसे पता चलेगा कि रिसीवर ने समझा नहीं समझा, वो पता ऐसे चलेगा जब रिसीवर की तरफ से इसकी जानिब एक जाएगा, उसको बोलते हैं हम फीडबैक। रिसीवर जब फीडबैक देगा सेंडर को तो हम ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। कब? जब हमारे पास फीडबैक जो होगा, फीडबैक होगा पॉजिटिव। अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। अब इसी फीडबैक में अगर बीच में कहीं परेशानी आ गई, यानी कि फीडबैक जो है वो फीडबैक पॉजिटिव नहीं है, इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, यानी कि फीडबैक सही नहीं आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव। कब? जब हमारा फीडबैक सही नहीं आएगा। मान लीजिए मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो बच्चा लोगों इंग्लिश हम आपको पढ़ाते हैं, आपको अंग्रेजी कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप फीडबैक देते हैं ना, तो मान लीजिए यही कंडीशन है एक सेंडर और एक रिसीवर से, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स को समझने के लिए जरूरी समझना यह है कि भाई उससे पहले फीडबैक कैसा है। अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो समझिए कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, अगर फीडबैक ही नहीं है तो कम्युनिकेशन बैरियर जरूरी है। बोलो समझ में आया? इसको मिटा देते हैं ताकि आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब हम समझ गए हैं बच्चों लोगों, प्यारे प्यारे बच्चों, हम समझ गए हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को डिसाइड करने करने के
लिए। सर कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़ाते हैं ना आप, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको फीडबैक मालूम करना पड़ता है। फीडबैक आया तो, यानी कि फीडबैक इज मैंडेटरी, फीडबैक इज मैंडेटरी। कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को मालूम करने के लिए फीडबैक इज मैंडेटरी। अब ये दोस्तों फीडबैक हमारा 100% पॉजिटिव है तो कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, इज इफेक्टिव मतलब बैरियर इज नो, बैरियर इज नेग्लिजिबल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं बताता हूं आपको फीडबैक 100% है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, बैरियर इज नेग्लिजिबल। अब आपको एग्जाम में सवाल आएगा, प्यारे बच्चों बताओ फीडबैक पॉजिटिव होने पर क्या कम्युनिकेशन बैरियर होता है या नहीं होता है? तो आप कहेंगे सर अगर फीडबैक कमाल का है 100% है तो हम बताएंगे कि इसमें बैरियर कहीं नहीं है। हाँ 100% हम बैरियर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बैरियर फिर भी एग्जिस्ट करता है मगर मिनिमल हो सकता है, 100% आपके पास आइडियल माहौल नहीं हो सकता है। एग्जामिनेशन में अगर आया तो हम कहेंगे बैरियर इज नेग्लिजिबल, इट इज मिनिमल इन केस ऑफ 100% फीडबैक। यानी कि फीडबैक अगर पॉजिटिव है तो बैरियर कम है, नेग्लिजिबल है। इसका मतलब यह हुआ कि फीडबैक डिसाइड करता है कम्युनिकेशन बैरियर को। ऑप्शन आएगा विच डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर का मुस्तकबिल कौन डिसाइड करता है, फीडबैक करता है। समझ में आया? मजा आ रहा ना पढ़ के? बोलो दोस्तों मजा आ रहा ना? तो आगे बढ़ते हैं। नाउ जो हमारे पास बैरियर्स होते हैं वो कौन कौन सा है? नंबर वन, मैं यहां पे बैरियर्स लिखता हूं, तुम देखते रहो, कॉमन बैरियर्स। कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स, कम्युनिकेशन में कॉमन बैरियर्स कौन सा है? नंबर वन, लिख लीजिए, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं। पहला है द यूज ऑफ, ये है जैरगॉन। हां तुमने पैरागॉन चप्पल नहीं बनाना है इसका, इट इज जैरगॉन, द यूज ऑफ जैरगॉन, जे आर जी ओ एन। सबसे पहला कम्युनिकेशन बैरियर है द यूज ऑफ जैरगॉन, जे G-O-N, जैरगॉन। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब यह होता है कॉम्प्लिकेटेड, जैरगॉन का मतलब यह होता है अगर हम कॉम्प्लिकेटेड से भी ऊपर टर्म्स को बोलते हुए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जिनका हम उपयोग करेंगे। मिसाल के तौर पर इस जैरगॉन का मतलब होता है ओवर कॉम्प्लिकेटेड, ओवर कॉम्प्लिकेटेड, हाईली टेक्निकल टर्म्स। भाई मेरी बात सुनिए, हाँ ओवर कॉम्प्लिकेटेड हाईली टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करना कब? बोलो बच्चों जब हम क्या करते हैं, बोलो कब? बात करते हुए, द यूज ऑफ जैरगॉन ओवर कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अभी हम आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं ना, मैं इतने मुश्किल मुश्किल अंग्रेजी के वर्ड्स यहां पर बोलूंगा, क्या आपको समझ में आएगा?
आप समझ गए ही नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू जॉब सेंटर। ये तो समझ में आया ना, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ही नहीं है। अब बोलता हूं मैं आपको, इंग्लिश ग्रामर इज हाईली रिवर्ट, REVERED, रिवर्ट इज रिवर्ट लैंग्वेज, रिवर्ट REVERED, रिवर्ट। कितने लोग इस रिवर्ट वर्ड को समझेंगे बताओ ध्यान से? बहुत कम लोग समझ पाएंगे ये रिवर्ट वर्ड क्या होता है, REVERED, रिवर्ट। इस रिवर्ट वर्ड का मतलब होता है काफी ज्यादा काबिले इज्जत, बहुत जिसकी इज्जत करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? एग्जाम्पल दी मैंने आपको। इसका ये मतलब होता है दोस्तों, अगर हम मुश्किल से मुश्किल वर्ड्स का यूज करेंगे बोलते हुए, तो कम्युनिकेटर तो बोल रहा है लेकिन जो सुनने वाला लिस्नर है वो समझे नहीं पाएगा। इसलिए बैरियर ये भी है कि हमें बात करते हुए जैरगॉन नहीं, जैरगॉन जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि ओवर कॉम्प्लिकेटेड अनफेमिलियर जो वर्ड्स है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इस जुमले को यहां समेट लेता हूं। सुनो मेरे बच्चों, मैंने कहा कम्युनिकेशन बैरियर में नंबर वन मैंने क्या कहा, नंबर वन मैंने कहा इसमें जैरगॉन, यूज ऑफ जैरगॉन। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, ये जो वर्ड ही जैरगॉन है कितना ये हमको भारी भारी से लगता है। सर हमने तो पहली बार लाइफ में सुना है जैरगॉन किसे कहते हैं। इसका मतलब ये जो जैरगॉन है ना, यही तो है ओवर कॉम्प्लिकेटेड अनफेमिलियर हाईली टेक्निकल टर्म, ये जैरगॉन का मतलब होता है। तो बात करते हुए जनाब हमें उन अल्फाज को बोलना चाहिए दूसरा बंदा जिसको पहले जानता हो। अगर आप चाहते हैं कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना, तो समझ में आया? पहला कम्युनिकेशन बैरियर हो गया है। सेकंड लिख लीजिए, सेकंड बैरियर आएगा उसको हम बोलते हैं, सेकंड बैरियर आएगा इमोशनल बैरियर एंड टैबोज। इमोशनल बैरियर एंड टैबोज, सुनिए बच्चे ध्यान से, ये मतलब क्या होता है इसका, इमोशनल बैरियर एंड टैबोज। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें बंदा इंटरेस्ट नहीं लेता है, पर आपको मालूम होगा ना, पढ़ते हुए आपने भी पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसे टॉपिक्स देखे हैं जहां आपका इंटरेस्ट नहीं जाता है। हर बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, किसी को जियोग्राफी पढ़ते हुए मजा आ रहा है, किसी को मैथ में, किसी को रीजनिंग में, किसी को ग्रामर में, अपना अपना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ स्टडी। मैं क्या कह रहा हूं, इमोशनल बैरियर, एक बंदा दूसरे से जब बात करता है जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे वो बात करता है, जिस टॉपिक पे वो वार्तालाप करना चाहता है और कर रहा है, अगर ऑडियंस में उस टॉपिक पर कोई बंदा जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या वो उस पर पॉजिटिव फीडबैक दे सकता है? अरे भाई क्यों? क्योंकि जब आप बात करते हैं जिससे बात की जाती है वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, वो जब चाहता ही नहीं वो टॉपिक आपने सुना। बात समझ में आ रही ना? कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं सर आप पढ़ाइए और हंसाइए, आप शेरो शायरी करिए, लेकिन कुछ चमत्कारी लोग बीच में होते हैं, अरे शेरो शायरी कहां से है बीच में, हमें तो सुनना ही नहीं है, बस पढ़ाते जाओ,
अरे भाई, अरे मियाँ, 40 से 45 मिनट तक आपका दिमाग किसी चीज में फोकस कर सकता है। 1 घंटा पढ़ाना है, 2 घंटे पढ़ाना है, आपके माइंड को एंगेज करने के लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है मियाँ। समझ में आया ना? तो इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या चाहिए? नंबर वन, आपको उन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना जो दूसरे को पता ही नहीं, अनफेमिलियर वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, आपने वो टॉपिक्स चूज करने हैं जिस पर दूसरा बंदा इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। टैबूज का मतलब होता है ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट में नहीं है, जो उसके खाते में नहीं है, भेजे में नहीं है, वो आपने टॉपिक डिस्कस करना नहीं है। समझ में आया? तो लिखना चाहते हो तो लिख लो इसमें। Some people may find it difficult to express their emotions and some topics may be completely off limits. ये मैंने आपको समझाया। देखिए, मैं आपको एक और एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, हमें पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं। अब आप मुझसे कोई पॉलिटिकल बात करेंगे, मैं कहूंगा मियाँ छोड़ दीजिए, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कोई प्यार मोहब्बत की बात करो, कोई इश्क की बात करो, है कोई सूफियाना कुछ सुना दो तो हम सुनेंगे, कोई आपसी भाईचारे की कोई बात करो हम सुनेंगे, हमें इसमें इंटरेस्ट है। कोई प्यार मोहब्बत आपस में खुशहाली के साथ रहने और तरक्की की बात करो, हम इसमें इंटरेस्ट है। बात समझ में आपको आ रही है? तो कहने का ये मतलब है कि जिस टॉपिक में आप इमोशनली कनेक्टिव फील करेंगे, जब कम्युनिकेटर वही टॉपिक बता रहा है, तो आपका फीडबैक पॉजिटिव आएगा, बैरियर होगा नहीं। हाँ, वो टॉपिक लिया जिसमें आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, जब कनेक्टेड नहीं है, फीडबैक पॉजिटिव नहीं है, तो बैरियर बन गया। बोलो बच्चों, समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है, लिसनिंग बैरियर। आपको मजा आ रहा ना? पहला हमने कहा कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या, दूसरा हमने कहा यूज अप जार्गन, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं लगाने, तीसरा हमने कहा है इमोशनली बैरियर क्या होता है, टैबूज क्या है, फिर हमने कहा टैबूज का मतलब होता है जो टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट हो, ऑफ द लिमिट हो, फिर हमने कहा लिसनिंग बैरियर। मान लीजिए मैं आपको यूं बात समझा रहा हूं, मैं बात अभी कर रहा हूं, आप जब अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे वॉइस में डिस्ट्रैक्शन आ रही है, आपको साफ आवाज नहीं सुनाई दे रही है, जो आपको लिसनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज योर लिसनिंग बैरियर, दैट इज योर लिसनिंग बैरियर। क्या मतलब है? लिसनिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि साउंड एग्जैक्टली आप तक नहीं पहुंच रही है। आप नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। अगर मान लीजिए जब आप फोन पे किसी से बात करते हैं ना, अपने पापा जी से, मामा से, दोस्त से, जब आप बात करते हैं, आपको आवाज साफ नहीं सुनाई देती, बीच में डिस्ट्रैक्शन जो आते हैं ना वॉइस में, तो वो है आप बोलते हैं मुझे आवाज नहीं आ रही है, योर वॉइस नॉट ऑडिबल टू मी, दिस इज लिसनिंग बैरियर। मतलब क्या है कि आप जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या आपका इसमें बीच में आ गया है, डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी आ गए। मुझे आप एक बात बताओ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अगर बीच में जब आप अभी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे लेक्चर वॉच कर रहे हैं, आपको घर में बुलाने आए, आ जाओ खाना खाओ, जब आपको बुलाने आए खाना खाओ, या साथ में आपने मोबाइल फोन पे ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ गया है आई लव यू, फिर कहां पढ़ोगे आप? कहां पढ़ोगे? अरे भाई, डिस्ट्रैक्शन से बचकर ही तो क्लास इफेक्टिव रहती है, तभी तो, अगर डिस्ट्रैक्शन से बचोगे तभी यूपीएससी के बड़े बड़े कमाल के एग्जाम क्वालिफाई हो जाओगे, जब डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। आप पढ़ाई के टाइम पढ़िए ना, बाकी टाइम आपका एंटरटेनमेंट है, करिए, कौन आपको मना करता है, आपकी अपनी जिंदगी है, एंजॉय करिए। लेकिन मैं ये जो बात कह रहा हूं, वो मैं कह रहा हूं कि जब आप पढ़ते हैं, अगर डिस्ट्रैक्शन हुआ तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगी। यहां तक बोलो, सबको समझ में आया है?
वेरी गुड, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, उनको हम बोलते हैं लैंग्वेज डिफरेंस। लैंग्वेज डिफरेंस, अनफेमिलियर एक्सेंट। अब जो मैं आपसे बैरियर डिस्कस कर रहा हूं वो है लैंग्वेज डिफरेंस और अनफेमिलियर एक्सेंट। लैंग्वेज डिफरेंस, भाई एक बंदा आपके सामने बात कर रहा है और बात करते करते उसका लहजा, उसका टोन, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इंग्लिश में एक वर्ड है स्टॉप, है ना। अब एक अंग्रेज के बच्चे से आप बात करते हैं, आपने कहा हेलो ब्रो स्टॉप, आपने कहा हेलो ब्रो स्टॉप, जब आपने स्टॉप कहा है इसका मतलब यह है कि जो समझने वाला बंदा है वो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसको स्टॉप पढ़ा, आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करी, आपने एक्सेंट गलत इस्तेमाल करा है, तो बंदा क्या समझेगा। समझ रहे हैं बात मेरी, कि जब तक आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं इट इज मैंडेटरी यू शुड हैव द नो ऑफ फैमिलियर एक्सेंट, व्हाट इज द राइट एक्सेंट, जो सही एक्सेंट है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है स्टॉप को स्टॉप ही पढ़ेंगे। मुझे एक अपने जमाने पढ़ाई की बात याद आई, जब हम क्लास 11th में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स जो वो बाहर के थे वो पढ़ते थे द कार मूव्स विद, द कार मूव्स विद, फिर आगे बोलते थे वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर आवर। जब सर ये बोलता था ना हमें फिजिक्स में कि द कार मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर सेकेंड, आप यकीन करिए मैं वेलोसिटी लिखता था, क्योंकि मेरे को समझ में ही वही आता था, मैं वेलोसिटी बाद में समझा, मैंने कहा यार ये सर तो ये, अरे वेलोसिटी तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, वो वेलोसिटी बोलते थे। तो मैं कहता हूं उस्ताद जी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी है जनाब। इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास एक्सेंट ही अनफेमिलियर हो तो कम्युनिकेशन स्किल कहां से कामयाब तो हो नहीं सकती है। हाँ लैंग्वेज में डिफरेंस हो तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी मैं आपसे उर्दू हिंदी बात कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है ना, अगर मैं कोई और लैंग्वेज बात कर रहा हूं पंजाबी में बात करूं आपको समझ में आएगा, आप बोलोगे सर की कहते हैं, साड़ी समझ कुछ नहीं आता, हमें तो कुछ समझ में आया ही नहीं, क्यों कख भी नहीं, कुछ भी नहीं आया, क्यों लैंग्वेज डिफरेंस है। समझ गए यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट बैरियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, हाँ एक शायर ने क्या लिखा है, थोड़ा सा आपको बीच में एंटरटेन भी करा जाए, एक शायर लिखते हैं इश्क करके देख ली जो बेबसी देखी न थी, इश्क करके देख ली जो बेबसी देखी न थी, इस कदर उलझन में पहले जिंदगी देखी न थी। प्यारे स्टूडेंट्स आपके लिए दर्श है, आपके लिए मॉरल वैल्यू सिखा रहा हूं कि इस वक्त पढ़ाई का दौर है, पढ़ाई कीजिए, दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। इश्क करके देख ली जो बेबसी देखी न थी, अरे इश्क करके देख ली जो बेबसी देखी न थी, इस कदर उलझन पहले जिंदगी देखी न थी, ये तमाशा भी अजब है उनके उठ जाने के बाद, ये तमाशा भी अजब है उनके उठ जाने के बाद, मैंने दिन में इससे पहले तीरगी देखी न थी, मैंने इससे दिन में पहले तीरगी देखी न थी, इस कदर उलझन में पहले जिंदगी देखी न थी, इश्क करके देख ली जो बेबसी देखी न थी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, कि अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसमें हमारे पास और कौन कौन से बैरियर्स हैं। अभी तक मैं जो बैरियर्स पढ़े उनको मैं
मैं जमा कर लेता हूं। नंबर वन, यूज ऑफ जैरगॉन। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इमोशनल बैरियर्स। तीसरा हमने पढ़ा लिसनिंग बैरियर। चौथा हमने पढ़ा लैंग्वेज बैरियर। ठीक है ना, ये बैरियर्स हमने अभी तक डिस्कस करे। ओके, नाउ हम आपको एक और चीज बताएंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन, नंबर वन मैं यहां पे लिखता हूं इन ए ब्रॉडर वे, एक है आपका लैंग्वेज बैरियर। एग्जाम में फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम याद रखिएगा। दूसरा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम कल्चरल बैरियर। लिख लीजिए, लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, सॉरी फिजियोलॉजिकल बैरियर भी आता है इसमें, एक है साइकोलॉजिकल भी। सर ये क्या लिखा आपने, ये सही से लिखो सर, आपने तो ऐसे ही लिखा था। हाँ जल्दबाजी में लिखा था, क्या होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। ओके, साइकोलॉजिकल बैरियर, वेरी गुड, साइकोलॉजिकल बैरियर। नंबर वन मैंने कहा आपसे लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक एबिलिटी में एक्ट एज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन, सो इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए आपको सेम लैंग्वेज का इंतखाब करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक इन द लैंग्वेज दैट इज ऑलरेडी फैमिलियर, जो पता हो। दूसरा हम जब देखेंगे व्हाट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको साइकोलॉजिकल बैरियर की, ये लिख लिया ना आपने, रिकॉर्ड करा, वेरी गुड। साइकोलॉजिकल बैरियर, देखिए एक कम्युनिकेटर, मैं बात कर रहा हूं ना अभी, आई एम स्टार्टर ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, आप सुन रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन में मजा कब आता है, आप हमारा लेक्चर एंटरटेन कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, साथ में एंटरटेन भी हो रहा है ना, ये डिपेंड करता है सर साइकोलॉजिकली फील कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं एज अ स्पीकर, अगर मैं स्ट्रेस फील करूं, इफ आई एम स्ट्रेस्ड, अगर मैं एंग्री हूं, अगर मूड ऑफ है, अगर कोल्ड बिहेवियर है, या हेडेक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं ईटीसी, इफ आई एम स्ट्रेस्ड, एंग्री, मूड ऑफ, कोल्ड बिहेवियर, हेडेक है, वर्कलोड है, बताइए मुझे मैं सही पढ़ा सकता हूं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक स्ट्रेस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, एंग्री है नहीं हो सकता है, मूड ऑफ है नहीं हो सकता है, कोल्ड बिहेवियर नहीं हो सकता है। इसका यह मतलब है इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन साइकोलॉजिकल बैरियर नेग्लिजिबल होना चाहिए। भाई मैं गुस्से में आया तो आप बोलोगे सर पढ़ाया तो कमाल का, लेकिन मजा नहीं आया, चेस नहीं आई,
क्यों जस नहीं आई, क्यों आपको लुत्फ नहीं आया? क्योंकि आपको सर के अंदाजे बयान में झलक रहा था, सर को स्ट्रेस है, सर गुस्सा दिखा रहे हैं, तो इसलिए आपको वो कम्युनिकेशन में वो लुत्फ नहीं आया, इफेक्टिव टीचिंग नहीं हुई। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, इसका मतलब है आपके पास साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। समझ में आया? वेरी गुड। इसको हम और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। नंबर वन, सिट्रस नहीं होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। इसके बाद है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये था हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर, नाउ है फिजियोलॉजिकल बैरियर। लिख लिया ना, फिजियोलॉजिकल बैरियर। एक है साइको, साइको तो समझ गए आप, नाउ इट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है, देखो एक हमारे पास है वोकल साउंड्स, वोकल साउंड्स है ना, वोकल कॉर्ड हमारा लाइरिंक्स है। यहां से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, आवाज कहां से टूट, साउंड वोकल से क्या है, लाइरिंक्स। यहां तक कम्युनिकेशन में क्वेश्चन आएगा लाइरिंक्स। हाँ, ये लाइरिंक्स साउंड जनरेशन के लिए, राइट, लाइरिंक्स याद रहेगा। अब सुनना मेरी बात, अगर मान लीजिए एक बंदा आपके सामने बात करने आया, सर है, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, ऐसा मैं बोल रहा हूं और आपको ये लग रहा है कि सर की आवाज भारी भारी सी है, आपको ये लग रहा है कि बीच में वर्ड्स हेलो माय डियर, देखो मैंने बोला हेलो माय डियर, आपको समझ में आया, कुछ नहीं आया, इसका मतलब ये है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने बोला आपको अगर सुनने में दिक्कत है, आपके ईयर ड्रम में धूल पड़ी है, डस्ट है, वैक्स जमा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके पास फिजियोलॉजिकल बैरियर भी नहीं होना चाहिए, आपके पास हेयरिंग एड्स भी होने चाहिए सुनने के लिए पूरा कम्युनिकेशन। अभी देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, माइक है ना, ये हमारे पास एड है। एड क्या है? एड ये है कि ये हमारा माइक्रोफोन हमारी वॉइस को इंटेंसिफाई करता है, एम्पलीफाई करता है, आपको साफ सुनाई देता है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास ये नहीं होता तो फिर आपको आवाज कैसे आती। सेम इज द केस, अगर आवाज आपको कम सुनाई दे रही है, आप ईयरफोन लगाएंगे, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर भी नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, समझ में आया ना। फिजियोलॉजिकल बैरियर मीन्स एग्जांपल, ए रिसीवर विथ रिड्यूस्ड हियरिंग मे नॉट ग्रास्प द कंटेंट ऑफ स्पोकन कन्वर्सेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फिजिकल बैरियर। अभी तो हमने जस्ट समझा कि हमारे पास बैरियर्स कौन कौन से हैं। एक बैरियर हमने कहा है आपका लैंग्वेज बैरियर बन सकता है, आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर बन सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, आपका मूड, आपका बिहेवियर वगैरह। फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द फिजिकल बैरियर्स कम्युनिकेशन स्किल में। फिजिकल बैरियर, एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल बैरियर इज जियोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सुनिए ध्यान से, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। फिजिकल बैरियर का मतलब यह है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। आइडियल कम्युनिकेशन पता है बच्चों किसे कहते हैं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, व्हाट इज आइडियल कम्युनिकेशन, आइडियल कम्युनिकेशन के लिए आपके पास जो फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप कितना सुंदर लिखते हैं, हां मैं बोल रहा हूं ना मुंह से, लिखो
डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ये आपका फिजिकल बैरियर डिसाइड करेगा, क्या सेंडर और रिसीवर का डिस्टेंस। अब सुनना, अब हमारे पास अगर ये बंदा जो बी है ये बहुत दूर रहता है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव उतनी नहीं होगी जितना बंदा रूबरू। इसलिए हम कहते हैं आइडियल कम्युनिकेशन तभी मुमकिन है जब बंदा फेस टू फेस है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर यू, फेस टू फेस इज आइडियल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस इज आइडियल कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा बच्चों? इश्क करके देख ली जो बेबसी देखी न थी, इस कदर उलझन में पहली जिंदगी देखी न थी। आप क्या आए कि रुखसत सब अंधेरे हो गए, इस कदर घर में कभी भी रोशनी देखी न थी। एक शायर ने क्या खूब लिखा है, मुझको रुखसत कर रहे हैं वो अजब अंदाज में, मुझको रुखसत कर रहे हैं वो अजब अंदाज में, आंख में आंसू भी, आंख में आंसू लबों पर हंसी देखी न थी, आंख में आंसू लबों पर हंसी देखी न थी। वो मुझे रुखसत कर रहे हैं अजब अंदाज में, आंख में आंसू और लबों पर हंसी न थी। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम पढ़ेंगे कि इसके बाद हमारे पास और कौन से बैरियर्स होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक जो लेक्चर है सारे का सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक बैरियर। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बैरियर। मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ताकि आप जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर देख के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, और फिर दिल से दुआ निकले आपको, हमारे लिए यकीन है निकलेगी दुआ जब आपके सारे क्वेश्चंस आंखों से हल होते जाएंगे। हमारे पास कौन सा है? सिस्टमैटिक बैरियर। अभी तक आपने अगर सर का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर दीजिए, एंटरटेनमेंट का बहुत ज्यादा खजाना है, और ये लेक्चर्स भी है, मॉडल पेपर्स भी है, ठीक है। सर का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इंजीनियर सैयद सादा, ठीक है। ये चैनल आप YouTube पर जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके, मैं बात कर रहा हूं सिस्टमैटिक बैरियर की। किसकी बात कर रहा हूं? सिस्टमैटिक बैरियर। सिस्टमैटिक बैरियर क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान से। ये सेंडर है, बोलो, ये रिसीवर है, बीच में होता है उसको हम बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं? पता है ना आपको, ये है मीडियम होता ना, ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और ये चैनल होता ना, शाबाश। हमारे पास सेंडर है, रिसीवर है, बीच में चैनल है जिसका नाम है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो चैनल है, इस चैनल में प्रॉब्लम है, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, इसमें माल फंक्शनिंग है, इसमें कुछ खराबी है। तो हम ये समझ गए कि सिस्टमैटिक एरर वो होता है जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर उस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, माल फंक्शनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तार में, ट्रांसमिशन वायर्स में कई प्रॉब्लम है, वी कॉल दैट एज अ सिस्टमैटिक बैरियर। समझ में आ रहा ना, मजा आ रहा है? सिस्टमैटिक बैरियर इज सिंपली यानी कि इस कम्युनिकेशन में जो सिस्टम लगा हुआ है, उस सिस्टम में कहां, उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके स्ट्रक्चर में कहां परेशानी है, उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक बैरियर।
आप इस लेक्चर को हल्के में मत लीजिए। एमसीक्यूज अगर बैरियर पे आए हैं तो कहीं आपको एग्जाम पास करने में बैरियर ना आ जाए, इसलिए सब बैरियर्स हटाइए और एग्जाम में छा जाइए। एक होता है, अब आखिरी बात करेंगे इसके, हम सिस्टमैटिक भी हो गया। नाउ द सेकंड लास्ट इज एटीट्यूडनल बैरियर। वही बंदे का एटीट्यूड, एक बंदे का एटीट्यूड अंदाज। अब बंदा पढ़ा रहा है अकड़ से, अपने आप को ही समझता है कि अफलातून है, मैं जो पढ़ा रहा हूं ऐसा कोई पढ़ा नहीं सकता है, मोटिवेशन नहीं बन पाएगी। बच्चे फील करेंगे यार ये तो अपने आप से पता नहीं क्या अफलातून समझता है। नहीं, पढ़ाओ ऐसे, बात ऐसे करो कि इंटरेस्ट जनरेट हो जाए, मोटिवेशन जनरेट हो जाए। सो इसका मतलब है एक बंदे का एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसके टैक्टिक्स, अंदाजे बयां, कम्युनिकेशन पे इफेक्ट जरूर डालते हैं। इसी को तो नाम है इंटरपर्सनल स्किल। इसका मतलब ये है कि एक बंदे का अंदाज, उसके बात करने का, उसका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन पर। यहां तक सबको समझ में आया है? वेरी गुड। आइए कुछ एमसीक्यूज करते हैं फटाफट से। एमसीक्यूज क्या, अब हमारे पास टाइम आ चुका है, अब हम एमसीक्यूज ढेर सारे करेंगे इनके ऊपर जो अभी तक हमने पढ़ाया है। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज बैरियर इज ऑल्सो नोन एज। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑप्शन है नंबर वन, नंबर वन ऑप्शन है फिजिकल बैरियर, नंबर टू इज सिमेंटिक बैरियर, नंबर थर्ड इज इमोशनल बैरियर, नंबर फोर इज कल्चरल बैरियर। तुरंत आंसर दीजिए। लैंग्वेज बैरियर इज ऑल्सो नोन एज कौन सा बैरियर है? हरी अप आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। क्या ये फिजिकल बैरियर है, क्या इमोशनल है, कल्चरल है, कौन सा है? सर आपने ये पढ़ाया है, ये फिजिकल बैरियर तो हो नहीं सकता। इन डिफरेंस बोलो ना अभी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कितना है, ये फिजिकल बैरियर में आएगा। इमोशनल बैरियर भी नहीं हो सकता है। क्यों? इमोशनल बैरियर में क्या होता है, कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, ये वो आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। कल्चरल बैरियर भी नहीं है, इसमें पूरा आपका एनवायरमेंट डिसाइड करेगा। तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है, इट इज सीमेंटिक बैरियर। क्या है ये? दिस इज द राइट ऑप्शन, सीमेंटिक बैरियर इज द राइट ऑप्शन। ये आइए इसको समझते हैं, व्हाट इज सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर होता है मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मैं बताता हूं, यहां पर लिख लेता हूं सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है,
ऐसे वर्ड बोले जो समझ में नहीं आ रहा है, एक्सेंट सही नहीं है, प्रोनंसिएशन सही नहीं है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसका नाम है सीमेंटिक बैरियर। तो सीमेंटिक बैरियर असल में आता कहां से, वो लैंग्वेज से आता है, तो लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज सीमेंटिक बैरियर। बोलो मजा आ रहा ना, शाबाश, लिख लो। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो बातें। एक हमारा है सिमेंटिक बैरियर, एक है कल्चरल बैरियर, फर्क क्या है सर जी? सिमेंटिक बैरियर में हमने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ड्यू टू कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, अनफेमिलियर वर्ड्स, है ना, डायलेक्ट का प्रॉब्लम है भाई, बात समझाने का, यानी जो वर्ड्स के जरिए। सो ये सिमेंटिक बैरियर में आएगा टोटली क्या, आपके वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स। दोबारा बता रहा हूं, सिमेंटिक बैरियर में आता है वर्ड्स, और कल्चरल बैरियर में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जनाब, मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड्स के लिए नहीं, ये होता है बाय कल्चरल डिफरेंस। किससे होता है ये? कल्चरल डिफरेंस से। बात समझ में आ रही है? ये भी कल्चरल डिफरेंस की वजह से जो होता है उसे हम कह रहे हैं, क्या कहते हैं बोलो, कल्चरल बैरियर। मिसाल के तौर पर कल्चरल बैरियर की अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसा है कि अगर आप जिस वर्क प्लेस में बात कर रहे हैं, जिस वर्क प्लेस में आप काम करते हैं, आप कंपनी में काम करते हैं, आप स्कूल में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, अलग अलग पर्सन जो आपके कलीग्स हैं, उनके कल्चर्स भी कम्युनिकेशन पर इफेक्ट उनसे पड़ता है। सो वो जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो भी कम्युनिकेशन पर इफेक्ट डालते हैं ना। आपका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो अगर हम अलग अलग कल्चर वालों लोगों से हम बात करेंगे तो बात करते हुए जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज ए कल्चरल बैरियर। समझ में आया? अब दूसरा सवाल करते हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डायलेक्ट रेफर्स टू विच बैरियर? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के मत ले लो। डायलेक्ट रेफर्स टू विच बैरियर? डायलेक्ट किस कौन सा बैरियर है? नंबर वन फिजिकल है, फिजिकल बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, इमोशनल है, या सिमेंटिक बैरियर है? बोलो, अभी तो सर ने बहुत समझाया है, फटाफट से बोलो क्या है। डायलेक्ट रेफर्स टू विच बैरियर? बोलो कौन सा बैरियर है? डायलेक्ट बोलिए जनाब, डायलेक्ट कौन सा बैरियर है? पहले आपको पता है डायलेक्ट किसे कहते हैं? सर हमको पता ही नहीं डायलेक्ट क्या है, तो आंसर कैसे देंगे हम, है ना, बताने के लिए। अरे डायलेक्ट हम बोलते हैं, डायलेक्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रीजन में, यानी कि एक पर्टिकुलर इलाके में उसकी जो स्पेसिफिक जबान हो, स्पेसिफिक लैंग्वेज हो, उसे हम कहते हैं डायलेक्ट। क्या कहते हैं उसको? डायलेक्ट, यानी कि पर्टिकुलर रीजन की स्पेसिफिक जबान को कहते हैं डायलेक्ट। हमको ये बेवकूफ बना रहा है अंग्रेज का बच्चा, कहता है डायलेक्ट, डायलेक्ट भी तो जुबान ही है, अभी तो पढ़ा सर ने, डायलेक्ट का मतलब होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज में जो बैरियर आता है वो कौन सा होता है?
फिजिकल नहीं होता है, कल्चरल नहीं होता है, इमोशनल नहीं होता है, तो क्या होता है? वो होता है सिमेंटिक बैरियर। बोलो समझ में आया? उदाहरण ना, शाबाश। अच्छा एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछूं मैं आपसे? पूछूं सर? पूछिए, ये लिख लिया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बचपन में गए ना वो सुई लगवाने के लिए, करते हैं ना बचपन में, वेरी गुड। अब सुनो, आज वो बचपने वाला सवाल आपको आएगा। डॉक्टर जब पर्ची लिखता है ना, या तो डॉक्टर बेचारा खुद समझता है, या तो जिसके पास वो पर्ची जाती है कंपाउंडर वो समझता है, और कोई बंदा नहीं समझता है। अब मुझे बताओ डॉक्टर की हैंड राइटिंग कौन सा बैरियर है? ऑप्शन है आपके पास, फिजिकल बैरियर है, सीमेंटिक बैरियर है, इमोशनल बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, कौन सा बैरियर है? मैं इसको थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखता हूं यहां पे, डॉक्टर्स हैंड राइटिंग केड़ा बैरियर है, डॉक्टर्स हैंड राइटिंग कौन सा बैरियर है? ऑप्शन ए ऊपर ऊपर वाले, डॉक्टर का हैंड राइटिंग क्या बैरियर है? बोलो मिया, डॉक्टर का हैंड राइटिंग कौन सा है? डॉक्टर की हैंड राइटिंग फिजिकल है, नो कल्चरल, नो इमेजिनल, ये हमारा सिमेंटिक है, क्योंकि डॉक्टर जो लिखता है वो अल्फाज ही तो है, वर्ड्स ही तो है, तो अगर ये सिमेंटिक दिया ऑप्शन तो सिमेंटिक आएगा, नहीं तो आएगा लैंग्वेज बैरियर। आप सिंपली याद रखिएगा यार, लैंग्वेज बैरियर का दूसरा नाम है सिमेंटिक बैरियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीचर है वो पढ़ाता है लेकिन कंफ्यूज है, कंफ्यूज टीचर कौन सा बैरियर है? एक टीचर कंफ्यूज है, परेशान है, टॉपिक उसको आता ही नहीं पढ़ाना, कंफ्यूज है क्या पढ़ाऊं क्या ना पढ़ाऊं, तो कौन सा बैरियर है? बोलो, ऑप्शन आपके ऑलरेडी है, फिजिकल है, कल्चरल है, इमोशनल है, सिमेंटिक है, लैंग्वेज बैरियर है, कौन सा है? अगर यहां पर लिखा होता ऑप्शन में साइकोलॉजिकल बैरियर, तो साइकोलॉजिकल बैरियर इसका दुरुस्त आंसर है। क्या है? बोलो क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर इसका सही आंसर है। इसका कंफ्यूज टीचर क्या है? कंफ्यूज टीचर जो है वो है साइकोलॉजिकल बैरियर। अगर साइकोलॉजिकल बैरियर एग्जाम में नहीं ऑप्शन है, देन इट इज फिजिकल बैरियर। मैं आपको फटाफट से बता रहा हूं कि ऑप्शन क्या क्या आएंगे। कंफ्यूज टीचर क्या है? फिजिकल बैरियर है या ये साइकोलॉजिकल बैरियर है? कंफ्यूज टीचर साइकोलॉजिकल बैरियर है, और अगर साइकोलॉजिकल बैरियर ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या आएगा? इट इज फिजिकल बैरियर। बोलो समझ में आया है? शाबाश। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन में आज जो सर ने इतना सारा पढ़ाया है, इस पढ़ाई का पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, और साथ में आपको एमसीक्यूज का पीडीएफ फाइल भी मिलेगा। कितना आपके लिए काम कर रहे हैं? बिंदास तरीके से भाई, डिटेल के साथ लेक्चर आप पीडीएफ फाइल में देखेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी देखेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा, वाकई क्वालिटी एजुकेशन लगी है, तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर हमें अच्छा लगा, क्योंकि आपका कमेंट करना हमें इंस्पायर करता है कि और आपको कमाल पढ़ाया जाए, मजे से पढ़ाया जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ना, घंटी का बटन नहीं दबाया है दबा दीजिए, ताकि ये क्वालिटी एजुकेशन आप मिस ना करें। जब भी हमारा बूथा आपके सामने आएगा,
तो आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सर जो है प्रकट हुए हैं, आपके सामने आ गए हैं और शायरी के साथ कमाल की एडुकेशन लेकर आ गए हैं। आप सभी दोस्त अपना बहुत ख्याल रखिए, पेरेंट्स की खिदमत करें, उनकी दुआएं ले, हमें भी अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा। ऑलवेज प्रमोट लव, पीस एंड म्यूचुअल हार्मनी, हमेशा भाईचारे को प्रमोट करिए। और एक आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, ये लेक्चर को रिवाइज करिए, और भी आपकी सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। आज के लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।